Sona Mushroom Farm, presenting complete information of zero energy polytunnel, method of compost, pipe method of compost, short method of composting, for seasonal farming and also AC farming. List of ingredients: wheat straw 1000 kilograms, chicken manure 300 kilograms, urea fertilizer 15 kilograms, single superphosphate 10 kilograms, muriate of potash 10 kilograms, gypsum 100 kilograms, 4 inch HDPE pipe 6 unit, HDPE sheet 1830 feet, formaldehyde 37% solution 1.5 LTR, Bavist in 250 gm, dichlorothose 76% 100 milliliters, furadone 3 grams 1 kilogram, spray machine, lots of water, button mushroom spawn 20 to 25 kilograms. T-minus today. Water spray on dry wheat straw. स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम वीट स्ट्रॉ को गीला करेंगे. एक्चुअली वीट स्ट्रॉ की प्रॉपर्टी होती है ये बहुत धीरे धीरे ही गीला होता है, तो इसको एटलीस्ट 24 से 48 या 72 घंटे तक हमें गीला करना पड़ता है, तब ये जाके अच्छे से गीला हो पाता है. तो यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसको अच्छा सा हमने फैलाने के लिए ट्रैक्टर और उसका एक ट्रलर यूज़ किया है जो कृषि के लिए यूज़ होता है. इसको अच्छे से फैला दिया है पतला पतला और इसको कंटिन्यूसली इस पर ट्रैक्टर से इसको पलटाई की जा रही है इस पर, जिससे कि मॉइस्चर अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के साथ, आपका गीला भूसा हो जाए. Wheat straw, moisture, gain 2 times. T-1 day. Continue mixing water on semi-wet wheat straw. जब तक भूसा आपका अच्छे से गीला ना हो जाए, जब तक इसमें पानी कंटिन्यू डालते रहना चाहिए और इसको मिक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि नीचे साइड आपका ड्राई रहेगा और ऊपर साइड आपका वेट हो जाएगा. तो कंटिन्यू मिक्स करते हुए हमें इसको टर्न करते हुए इसको अच्छे से भिगा लेना है. बिल्कुल बिल्कुल मिक्स, इसके लड्डू जिस तरह से बनते हैं ना, उस तरह से भूसे के भी लड्डू बनने लगें तो समझ लीजिए आपका वीट स्ट्रो अच्छे से मिक्स हो गया है वाटर के साथ, अच्छे से गीला हो गया है. Zero day. Mix chicken manure gypsum. SSP, mop, wheat bran urea. आज कंपोस्ट का जीरो डे है. मॉइस्चर लेवल काफ़ी अच्छा था. इसमें हमने चोकर, चिकन मैनोर, MOP, SSP, जिप्सम सब अच्छी तरीके से फैला लिया है. बिल्कुल लगभग इक्वल अमाउंट में पूरे वीट स्ट्रॉ के ऊपर. और फैलाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे. मिक्स करने के लिए हमने एक जुगाड़ यूज़ करी है, ट्रैक्टर और ट्रिलर. ये सामने आप देख रहे होंगे वीडियो में. मिक्स जितने अच्छे से मिक्स हम करेंगे उतने अच्छे से कंपोस्ट बनना स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. मिक्स करने के लिए ये देखिए ट्रैक्टर का और ट्रिलर का यूज़ कर रहे हैं. ये भी अपना एक देसी जुगाड़ है. मैन पावर कम से कम यूज़ होती है इसमें और बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम मेहनत में ये काम हो जाता है मिक्सिंग का, जीरो डे वाला.
पक्ष जाता हमारा और उतने अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाता, क्योंकि इस टाइम जो भूसा है बहुत ज़्यादा गीला है और उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, इसलिए हमने ट्रैक्टर टिलर का यूज़ किया। टिलर की जगह आप रोटावेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाया आज, इसलिए हम इससे ही काम चला रहे हैं। ये सॉर्ट मेथड कंपोस्टिंग है, ये 15 दिन से 18 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होते हैं इसमें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट बन के तैयार होती है हमारी 15 से 18 दिन में मिनिमम टाइम 15 डेज है, मैक्सिमम टाइम 18 डेज है। और प्रोसीजर वीडियो स्किप किए बिना आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये कंफर्म है कि अगर आपने ठीक से वीडियो देखी तो आपको सॉर्ट मेथड, इस मेथड से, ज़ेप्ट मेथड से कंपोस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो आप मुझसे कमेंट करके, मुझे डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे मुझसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर स्टेप में हेल्प करूँगा। ये प्रोसेस करने के बाद हम 0 डे के बाद हम नेक्स्ट डे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें 6 पाइप चाहिए जिसका डायमीटर आपको
एटलीस्ट 4 इंच का हो, और HDPE क्वालिटी हो, और लेंथ 20 फीट हो मिनिमम। और क्वालिटी जितनी अच्छी रखेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़ा सा कॉस्टली पाइप लीजिए, क्योंकि एक्चुअली इसको 70-80 डिग्री के सेल्सियस के बीच में इसको सर्वाइव करना है। तो अगर ये क्वालिटी आप लो रखेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा बीच से, और जो अपना नेचुरल प्रोसेस है, जो आपका हीट ट्रांसफ़र, अमोनिया ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें हमने 10 mm की बिट लेके क्रॉस सेक्शनली होल किए हैं, मतलब एक आपको ऊपर करना है तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और बिल्कुल क्रॉस में होना चाहिए। आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 फीट चौड़ाई और 5 फीट T+1 day make trapezoidal heap height 5 feet width 5 feet length as per area। इसमें आपने जो होल किए हुए 6 5 थे 4 इंची उनको इंसर्ट कर दिया एक ट्रैपेजोइडल स्ट्रक्चर। इसमें 3 पाइप नीचे और 3 पाइप के ऊपर 2 पाइप बीच में उनके, और फिर जो बीच में एक स्पेस बचता है उसमें 1 पाइप। इस तरह से हमने 6 पाइपों को सेट कर दिया। T+ for TH day, front and back open. T+5 TH day, both sides open. T+6 TH day, make first turn. और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आपका ढेर कंप्लीट हो जाए इसके बाद से जो HDPE हमने सीट बन मंगा के रखी है 18x30 फीट की, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करें। अगर आप जैसे कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। इससे कि कवर इसलिए करते हैं कि इसमें जो गैसेस क्रिएट होंगी, जो अमोनिया क्रिएट होगी, जो टेम्परेचर क्रिएट होगा, वो एनवायरनमेंट में ना जा पाए। इस वजह से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं चारों तरफ से, ऊपर नीचे अच्छी तरीके से फोल्ड कर देते हैं और अच्छे तरीके से दाब देते हैं। आज ये T+1 day कंप्लीट हो गया है। अब हमें T+1 day मतलब आज देखा जाए तो पहला दिन है, और आज से हमें 4 दिन बाद मतलब 4th day इसका फ्रंट, जो आपका जो पाइप के जो जहाँ से मुंह दिख रहे हैं दोनों साइड से, आगे से और पीछे से, दोनों को ओपन कर देना है 4 दिन बाद। और 5th day आपको साइड ओपन करना है, साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसी क्लिप्स मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, बट आप अगर कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। साइड ओपन करना ज़रूरी है। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि कंपोस्ट को सॉक ना लगे। सॉक लगने की वजह से कंपोस्ट में T+10 TH day फ्रंट एंड साइड ओपन, T+11 TH day both sides open, T+12 TH day make next turn। 10th day हमें इसका फिर से सेम प्रोसीजर करना है, फ्रंट ओपन होगा और बैक ओपन होगा 10th day, और 11th day साइड्स ओपन हो जाएंगे, 12th day इसका सेकंड टर्न बनाएंगे हम। सेकंड टर्न एक्चुअली हम इसको बोल तो सेकंड टर्न रहे हैं, बट ये थर्ड टर्न होगा, क्योंकि हमने 0 day में भी एक टर्न किया था, तो इसको हम थर्ड टर्न बोलेंगे। थर्ड टर्न में हमें एक प्रोसीजर और करना है, इसमें हमें 0 down 3 C 12 steam और आपका फॉर्मेल्डिहाइड 37%, इन सबको आपका फ्यूरोडॉन 3G तो आपको ऐसे ही कंपोस्ट के ऊपर छिड़क देना है। इसके अलावा बावास्टीन और फॉर्मेल्डिहाइड और डाइक्लोरोवास इसी 76% को 40 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे मशीन से अच्छे से पूरी कंपोस्ट को स्टरलाइजेशन कर देना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
पार्ट है, अगर इस पार्ट को हम मिस करते हैं, अच्छे से नहीं परफॉर्म करते हैं, तो हो सकता है आपकी कंपोस्ट में मोल्ड आए, कई तरह की प्रॉब्लम। 12th डे कंप्लीट हो गया था, 13 और 14 डे हमें कंपोस्ट को ठंडा करना है, फैलाना है, थोड़ी बहुत अमोनिया की स्मेल बची होगी जिसको हमें निकाल देना है फैला के, और 15 डे 15वें दिन स्पॉनिंग करके इस तरह से पैकेट बैग को भर देना है। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्लिप आफ्टर 40 डेज फ्रॉम स्पॉनिंग डेज।